हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे मल्टीग्रेन आटा किस तरह से बनाया जाता है और इसमें कितनी क्वांटिटी में मिलाना चाहिए और ये इसके हेल्थ बेनिफिट्स कौन कौन से हैं। तो ये बहुत ही न्यूट्रिशियस होता है, इसके हेल्थ बेनिफिट्स आप सभी जानते होंगे या फिर ये मेरे चैनल पे भी आपने कई बार देखा होगा कि मल्टीग्रेन चीज़ों के हेल्थ बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। ये धीरे धीरे डाइजेस्ट होता है और बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। तो चलिए देखते हैं कि इसे बनाने के लिए हमें कितने अनाज को कितनी क्वांटिटी में लेना है। हमें गेहूं 1 केजी लेना है, 1 केजी गेहूं ले सकते हैं। साथ में काले चने को 50 ग्राम लेना है, मक्के को 50 ग्राम लेना है, जौ को 50 ग्राम लेना है, रागी को 50 ग्राम लेना है। रागी के हेल्थ बेनिफिट्स तो आपने देखे ही होंगे, बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं इसके। ये वेट लॉस में बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है, यह डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। इसमें आयरन कैल्शियम भी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। रागी बहुत ही हेल्थ बेनिफिट्स है, इसे ज़रूर अपनी डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। उसके बाद हम देखेंगे सोयाबीन में भी भरपूर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है, ये बहुत ही अच्छा सोर्स है प्रोटीन का, इसे हमें ज़रूर लेना चाहिए। सोयाबीन भी हम 25 ग्राम लेंगे, बाजरा भी हम 25 ग्राम लेंगे और बार्ली भी हम 25 ग्राम लेंगे। इन सभी को मिक्स करके इसका आटा बनवाना है। अगर आपको ज़्यादा आटा बनवाना हो तो आप इन सभी को इसकी क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं। जैसे हमने गेहूं का आटा 1 केजी लिया है, वहां पर आप 2 केजी गेहूं का आटा ले सकते हैं। 50 ग्राम वाले अनाज को आप 100 ग्राम कर सकते हैं और जो 25 ग्राम वाले हैं उन्हें 50 ग्राम कर सकते हैं, यानी इनकी क्वांटिटी को आप अपने अनुसार बढ़ा सकते हैं। इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं, इसमें फाइबर, मिनरल्स, प्रोटीन और फुल एनर्जी होता है। इसका आटा बहुत ही अच्छा होता है, आप इससे पराठा, रोटी आराम से बना सकते हैं। जब हम इन सभी अनाज को मिलाकर पिसवाते हैं तो हमारा आटा कुछ इस तरह से बनता है। यह दिखाई तो नॉर्मल आटे जैसा होता है लेकिन खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होता है, साथ में इसके हेल्थ बेनिफिट्स भी बहुत सारे होते हैं। यह आसानी से धीरे धीरे डाइजेस्ट होता है जिससे हमें लंबे समय तक भूख नहीं लगती है, वह सारे पोषक तत्व भी प्राप्त हो जाते हैं। गाइस, हमें और क्या चाहिए, जब हमारे शरीर को ताकत भी मिल रही है और हमारा वज़न भी कम हो रहा है, इससे अच्छी चीज़ और क्या होगी। आई होप आपको यह वीडियो वेट लॉस में ज़रूर हेल्प करेगा। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।